Panel ready? Chief Judge D1, D2, D3, D4, A1, A2, T1, T2, scorer, evaluator, announcer. Okay? Wish you all the best. Thank you. Chest number 223, Mr. Arjun Parmar. Judges ready? All judges, evaluator, T1, T2, music, start. स्वागत आप सभी का. अब आर्टिस्टिक सिंगल कैटेगरी में मेंस की परफॉर्मेंस शुरू होगी, जहां सबसे पहले प्रतिभागी अर्जुन, जो राजस्थान के रहने वाले हैं. नियम एक बार फिर वही, और क्योंकि ये राजस्थान से तारुक करते हैं तो इनको और घनिष्ठता से जो शख्स जान सकते हैं, सीपी पुरोहित सर, वो हमारे साथ मौजूद. सर, कैसे आपने इनको देखा वहाँ डोमेस्टिक लेवल पे भी परफॉर्म करते हुए और अब नेशनल गेम्स में मौका? बिल्कुल आयुष जी, अर्जुन की परफॉर्मेंस बहुत चल रही है. लेग बैलेंसिंग का इस बार उन्होंने आसनाच को चेंज किया है. जहां इन्होंने जब सेमीफाइनल खेला था तो इन्होंने जो परफॉर्मेंस में मुझे लग रहा है म्यूजिक इन्होंने वही रखा है, और ये ट्विस्टिंग का आसन इन्होंने जो मलाया आसना करते हुए गणेश, इसमें यूनिफॉर्म का भी कॉस्ट्यूम के भी 5 मार्क्स होते हैं. 2 आर्टिस्टिक जज होते हैं, A1 और A2, और टाइम कीपर भी 2 होते हैं, T1 T2. दोनों ही अपनी वॉच को ऑन किए हुए हैं. देखिएगा सुप्त टिटिबासना और अपनी सहजता के साथ, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ एक्रोबिक किया इन्होंने हैंड, और ये बैक बेंडिंग का आसन इसमें भी इन्होंने बहुत अच्छा सहजता के साथ दोनों पैरों को जितना स्ट्रेट हम रख सकते हैं और एरिना को पूरा कवर करना, इसके भी 5 मार्क्स होते हैं. तो इस मार्क्स को भी वो फॉलो करते हुए अपना हैंड बैलेंस का आसन करते हुए, और ये इनका फेवरेट, लेकिन थोड़े से पैरों में बेंड होने से मुझे लगता है इसमें थोड़े मार्क्स में जजेस थोड़ा सा विचार कर सकते हैं डिडक्ट करने का. ये इनका बहुत फेवरेट आसन है. पूर्णतया अपने दोनों घुटनों के बीच में सर को निकाले हुए, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है इनको आर्टिस्टिक पे ध्यान करना होगा, थोड़े गीत के साथ अपने पैरों को उठाना होगा. और बहुत अच्छा आप कर रहे हैं अपना हैंड बैलेंस का आसन करते हुए. हैंड बैलेंस के साथ इनका E3 कैटेगरी का इन्होंने आसन लिया है. और अगला टीटी आसन, फॉरवर्ड बेंडिंग का आसन, ये भी बहुत अच्छा. थोड़े से नी में बैंड इनका दिखाई देता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, और अपनी तरफ से वो बहुत अच्छा कर रहे हैं. लास्ट इनका 10वां आसन टिटिवासना, त्रिविक्रमासना जो कर रहे हैं, ये ट्विस्टिंग का आसन आज किया है. बहुत सुंदर परफॉर्मेंस थी. माइनर मिस्टेक से शायद इनको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है. आर्टिस्टिक सिंगल्स मेंस कैटेगरी के दूसरे प्रतिभागी आदित्य प्रकाश, जो कि कर्नाटका के रहने वाले हैं, चेस्ट नंबर 225 के तहत खेलेंगे. इनसे पहले अर्जुन परमार, जो राजस्थान से थे, चेस्ट नंबर 223 के साथ परफॉर्म करते हुए आपको नजर आए. 16 कॉम्पिटिटर्स सेमीफाइनल में परफॉर्म करते हुए हमने कल देखे थे, जिनमें से 10 को आज फाइनल मुकाबले में खेलने की मौका मिला है, और वो जो जगह जो इन्होंने अपनी बनाई है उसको बरकरार रखने का ये प्रयास करेंगे. आदित्य प्रकाश शुरुआत कर चुके हैं. पहला जो आसन है वो बैक बेंड सिंगल लेग के तहत शुरू किया है, वामदेव त्रिपुरासन, उसे सहजता के साथ, निपुणता के साथ संपन्न किया. ब्रह्मास्त्र आसन की तरफ अभी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, दोनों ही हाथ एकदम स्थिर, और पीछे वो स्कॉर्पियन की तरह जो पांव है उसको मोड़ के रखा. लगातार नृत्य के वो एक्शंस करते हुए आपको दिखा रहे थे. ये बड़ा जटिल आसन
पूरी जो बैक है वो स्पाइन है वो ट्विस्ट हो गई। उर्भ्रासन इसे कहा जाता है, उर्भ्रासन। इतना आसान करना रहता नहीं, लेकिन उसे कितनी आसानी से निपुणता के साथ करके दिखा रहे हैं। और उसी आसन से मिलता जुलता इन्होंने दूसरा आसन किया था, तो दोनों ही हाथों का जो आसन है वो ये कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये तीसरा आसन जो कि सरस आसन है उसकी तरफ जा रहे हैं, और सरस आसन में थोड़ा समय जरूर लिया लेकिन बॉडी को ज्यादा समय तक होल्ड किया नहीं था। 5 सेकंड तक वो पोजीशन बनाए रखनी है, यदि आप 5 सेकंड से कम समय तक रखते हैं तो 0.25 मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं। अगले आसन की तरफ चले गए, और ये वो जो बॉडी का ट्विस्ट आसन है वो इन्होंने करके दिखाया। ट्विस्टिंग बॉडी बैलेंस कैटेगरी के अंदर ये आसन आता है। हल्के हल्के कलमों से पीछे की तरफ जाते हुए, जिससे कि ये जो पूरा फ्लोर है इसका इस्तेमाल कर सकें। 8x8 का ये हरे कलर का एरिया कैलाश आसन अभी आपको करते हुए नजर आ रहे हैं। बॉडी को पूरा ट्विस्ट करके और प्रयास करेंगे कि कर्नाटका की तरफ से अच्छे परफॉर्मेंस हो, क्योंकि ये सिर्फ एकमात्र प्रतिभागी है कर्नाटका के। 3 प्रतिभागी आपको महाराष्ट्र के यहाँ नजर आएंगे, और वहीं राजस्थान की तरफ से सिर्फ एकमात्र प्रतिभागी अर्जुन बड़ी खूबसूरती के साथ स्विफ्ट तिथि भाषण करते हुए अभी आपको नजर आ रहे हैं। पोजीशन को एक बार फिर इन्होंने 5 सेकंड तक होल्ड किया था चेहरे के ऊपर। अब वो मंद मंद से मुस्कान झलकती हुई, और कुछ हो भी क्यों ना, जितने भी आसन इन्होंने किए निपुणता के साथ, सिर्फ एक वो सरस आसन के अंदर इन्होंने सरस आसन में थोड़ी सी कमी दिखाई थी। 5 सेकंड का समय लिया नहीं था, उससे पहले ये गिवअप कर चुके थे। कार्टवील अभी आपको अपने स्क्रीन के ऊपर दिखाया, पहले अपने आगे वाले पांव को अपने सर पे टच किया, फिर अपने बाएं पांव को पीछे ले जाकर सर पे टच किया। फ्लेक्सिबिलिटी साफ दृष्टि हुई इस प्रतिभागी की, वो क्षमता वो पोटेंशियल सब कुछ झोंकने की कोशिश। समय जो है वो समाप्त हो चुका। चेस नंबर 227 अभिषेक, जो हरियाणा के रहने वाले हैं, आर्टिस्टिक सिंगल्स मेंस फाइनल में ये तीसरे प्रतिभागी, और हरियाणा की तरफ से जो 3 प्रतिभागी हैं उनमें से ये पहले। इनके बाद आपको नजर आएंगे प्रवीण कुमार पाठक, जो भी हरियाणा के रहने वाले हैं, और फिर ऋषभ झा। तो 3 प्रतिभागी हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3 प्रतिभागी महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं राजस्थान की तरफ से, सिर्फ एक कर्नाटका की तरफ से, एक वेस्ट बंगाल की तरफ से, एक। तो चलिए म्यूजिक का इंतजार, जैसे ही म्यूजिक शुरू होगा इनका जो समय है 150 सेकंड से लेके 180 सेकंड का वो शुरू हो जाएगा। म्यूजिक स्टार्ट। चेस नंबर 227 अभिषेक। हरियाणा की तरफ से ये प्रस्तुति देंगे। पहला जो आसन इन्होंने चुना है वो है ऊर्ध्वमुख तिथिभासन, और तिथिभासन की कई सारी जो फॉर्मेशंस है उनमें से सबसे लोकप्रिय जो 2 है उनमें से ये पहली थी। उसके साथ शुरुआत करने के बाद दूसरा जो क्राइटेरिया इन्होंने चुना है वो ट्विस्टिंग बॉडी बैलेंस है। बॉडी को आप देख सकते हैं, स्पाइन को पूरा ट्विस्ट किया, दाएं हाथ से बाएं पांव को, बाएं हाथ से दाएं पांव को पकड़ा। और फिर कल हमने इस मुकाबले में इस प्रतिभागी को देखा था कि डांस की जो आर्टिस्टिक स्किल्स थी वो इतनी सुदृढ़ करी नहीं, तो आज उसमें इम्प्रूव करते हुए साफ नजर आए हैं। और अगला आसन परिवृत उपविष्ट कोणासन, स्माइलिंग फेस के साथ अगला जो आसन है ये कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र आसन, लेकिन 5 सेकंड का समय आपको होल्ड करके रहना पड़ता है। यदि आप उससे कम होल्ड करते हैं तो निश्चित तौर पे आप पूरे अंक के भागीदार नहीं होते। तांडव आसन इन्होंने पिछला किया, जिसमें एक पांव के ऊपर पूरी बॉडी को बैलेंस किया था, तो यहां समकोण आसन करते हुए आपको नजर आ रहे हैं, जिसमें दोनों ही हाथ मैट के ऊपर है और पूरी बॉडी का बैलेंस दोनों हाथों के ऊपर। एक प्रतिभागी को 10 अलग अलग कैटेगरी के आसन करके दिखाने होते हैं।
अगले आसन की तरफ जा रहे हैं सारस आसन। इसमें समय इन्होंने लिया नहीं, हल्का सा वाइब्रेशन बॉडी में नजर आ रहा है, लेकिन 5 सेकंड तक होल्ड करने में इनको सफलता मिली। कई बार ऐसा होता है जब वो म्यूजिक चल रहा होता है, आप उसके फ्लो के साथ परफॉर्म करते हैं, तो वो जो समय है, वो जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, वो भी आपके लिए कई बार थोड़ा सा कठिन हो जाता है। लेकिन अभी तक परफॉर्मेंस काफी सजीवी, काफी सजीवी, मुखमंडल पे वो हल्की सी मुस्कान जो जजेस को निश्चित तौर पे इंप्रेस करती हुई नजर आएगी। स्वप्त तितिभासन इनका अगला आसन था, जिसमें इन्होंने ज्यादा समय जो था वो लिया नहीं, जैसे ही फॉर्मेशन कंप्लीट करी और फिर एक अच्छा खासा समय इन्होंने मैट के ऊपर बिता लिया। मृगिमुख आसन जो इन्होंने अपना पिछला आसन किया, जैसा मैंने अपने दर्शकों को पहले भी बताया कि यहाँ 350 भिन्न भिन्न तरीके के आसन किए जा रहे हैं, इससे साफ पता चलता है कि कितना मुश्किल रहता है जजेस के लिए जज करना एक आसन के कई सब आसन है, कई सारे वेरिएशंस, कई सारे फॉर्मेशंस। और यहाँ अभिषेक का समय समाप्त हुआ। होल्ड टाइम 176 सेकंड। थैंक यू पार्टिसिपेंट। इन्होंने हल्का सा मेकअप करके रखा है, दूसरी बात इनकी जो वेशभूषा वो भी थोड़ी सी आकर्षणीय है, और क्योंकि आपकी वेशभूषा के आपको मार्क्स दिए जाते हैं, आपकी म्यूजिक, आपके रिदम और आपके जो आसन है वो यदि ट्यून के साथ मैच होते हैं तो उसके भी अंक दिए जाते हैं। समय जो है वही रहेगा, 150 से लेके 180 सेकंड के अंदर 10 आसन करके दिखाने हैं, कम से कम 8, अधिक से अधिक आप 10 आसन कर सकते हैं। यदि आप 10 आसन करते हैं का मतलब ये है कि आप पूरे मार्क्स के लिए एलिजिबल है। शुरुआत इन्होंने डिम्बासन के साथ की थी, 5 सेकंड तक एक आसन को होल्ड करके रहना होता है, और यदि आप 5 सेकंड तक होल्ड करने में सफल रहते हैं तो एक बार फिर आप वो जो हाईएस्ट मार्क्स है उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वो जजेस के ऊपर, जूरी के ऊपर निर्भर करता है कि कितने परफेक्शन के साथ आपने आसन किया। उग्र मुह तितिभासन करते हुए अभी आपको नजर आए थे, ऊर्ध्व मुह तितिभासन, और उसमें 5 सेकंड होल्ड करने के बाद अपने अगले आसन की तरफ धीरे से रुक करते आपको नजर आएंगे। हाथों को किस खूबसूरती के साथ फिट किया है, एक हस्त मयूरासन करते हुए आपको नजर आएंगे, लेकिन चूक हुई है यहाँ, इनके बॉडी का बैलेंस हल्का सा चूका और ये फिनिशिंग के साथ नीचे उतर नहीं पाए। दोनों पांव ऑल ऑफ ए सडन अचानक से मैट के ऊपर आए, और अगला सारस आसन की तरफ ये जाते हुए एक पांव के ऊपर पूरी बॉडी का वेट। हमने ज़्यादातर प्रतिभागियों को देखा है कि वो जजेस के परपेंडिकुलर ये आसन परफॉर्म करते हैं, पर इन्होंने एकदम पैरेलल उनके सामने आके वो आसन परफॉर्म करके दिखाया। ट्विस्ट बॉडी का ये जो आसन है वो अब ये करते हुए आपको नजर आ रहे हैं, और इस आसन का नाम है परिवृत उपविष्ट कोणासन। 10 आसनों का संयोजन आर्टिस्टिक सिंगल मेंस कैटेगरी में रखा गया है। फाइनल में विमेन में भी आपको यही करना है, समय मेन विमेन दोनों में बराबर दिया जाता है, मैट का एरिया वो भी समान 8x8 मीटर की है, हरे कलर की मैट आपको आपके स्क्रीन पर नजर आ रही है। अगला आसन वामदेव त्रिपुरासन करते हुए ये आपको नजर आ रहे हैं, जो बैक बेंड सिंगल लेग बॉडी बैलेंस कैटेगरी के अंदर आता है। एक पांव के ऊपर पूरी बॉडी को बैलेंस किया था, बैक को पीछे की तरफ बेंड किया, और स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी यहां साफ दर्शाते हुए बड़ी खूबसूरती के साथ अपने अगले आसन मृग मुखासन को प्रस्तुत कर रहे हैं। सिर्फ एक आसन इन्होंने हल्का सा गलत किया था, वहां थोड़ी सी चूक हुई थी, अंग डिटेक्ट होने की पॉसिबिलिटी वहां रहती, लेकिन उसके अलावा सारे आसन बड़ी खूबसूरती के साथ दर्शाते हुए नजर आए। सुप्त तितिभासन करते हुए अब आपको आपके स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं 3 प्रतिभागी जो इनसे पहले परफॉर्म कर चुके हैं, उसमें सबसे ऊपर कर्नाटका चल रहा है, दूसरे स्थान पर हरियाणा, तीसरे स्थान पर राजस्थान, और मलयासन जो फिर ट्विस्टिंग बॉडी बैलेंस कैटेगरी के अंदर रखा गया है उसको 5 सेकंड तक होल्ड करके अगले आसन की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी देखिए, दोनों हाथ दोनों पांव के पास आए, उसके बाद पांव को हवा में लिफ्ट कर लिया, और परिवृत शिव लिंग करणासन करते हुए अब आपको आपके स्क्रीन के सामने नजर आए। हाथों को जरूर ट्विस्ट किया, लेकिन ट्विस्ट की कैटेगरी में सिर्फ तब माना जाता है आसन को जब वो स्पाइन का ट्विस्ट हो। समय समाप्त। होल्ड टाइम 179 सेकंड।
थैंक यू पार्टिसिपेंट। अगले प्रतिभागी दिव्यजीत दास, नाम से ही पता चलता है कि वेस्ट बंगाल को बिलोंग करते हैं। चेस नंबर 230 के तहत परफॉर्म करते हुए आपको नजर आएंगे। केसरिया कलर की इन्होंने जो ड्रेस धारण कर रखी है वो देखते ही बन रही। एक हाथ के ऊपर पूरी बॉडी के बैलेंस को बनाए रखा और लगभग 5 सेकेंड इन्होंने कंप्लीट किए हैं। शुरुआत में ही एक जटिल आसन, एक हस्त पद्म मयूरासन के साथ इन्होंने शुरुआत की। एक हाथ के ऊपर पूरे बॉडी का बैलेंस इन्होंने निकाला था। ऊर्ध्वमुख तितिपासन करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। ऊर्ध्वमुख तितिपासन का मतलब यदि आपका मुंह ऊपर की तरफ है, जो अगले आसन की कैटेगरी है, ट्विस्टिंग बॉडी बैलेंस आसन इन्होंने किया है, वेतल आसन, जो म्यूजिक उसकी बीट के ऊपर लगातार अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस दिखाते हुए अभी आपको नजर आ रहे हैं आपके स्क्रीन के ऊपर। ये फ्लोर बैलेंस आसन है, यहाँ बैक बैंड जो है वो फ्लोर के ऊपर आपको नजर आ रहा है। फ्लोर के ऊपर इन्होंने अपनी बैक को रखा है और अब तितिपासन की एक और शैली इन्होंने दर्शाई है, सुप्त तितिपासन जिसे कहा जाता है योगासन की भाषा में, क्योंकि यहाँ 350 से ज्यादा योगासन इन्वॉल्व किए गए हैं, इंक्लूड किए गए हैं। जजेस के लिए भी इतना आसान रहता नहीं है। सारस आसन की तरफ जा रहे हैं, धीरे धीरे बॉडी का बैलेंस बनाया, लेकिन पाँव के बीच में वो कोण इतना सीधा नहीं, हो सकता है कि जजेस इस वाइब्रेशन के भी नंबर काटें। बॉडी जो थी वो हल्की हल्की सी शिवर कर रही थी, थोड़े से वाइब्रेशंस बॉडी में थे, और जो जिस तरह से इन्होंने वो तलवार चलाने का एक्शन किया बड़ा सदा हुआ। सिंगल लेग बॉडी बैलेंस बैकवर्ड मूवमेंट आसन ये आपको करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे योगा की भाषा में ऊर्ध्वमुख वीरभ भद्रासन कहा जाता है। दोनों ही हाथों के ऊपर समकोण आसन करके ये दिखा रहे हैं, पूरे बॉडी का वेट सिर्फ और सिर्फ उन कलाइयों पे, उन पाम्स पे, और प्रयास लगातार दिव्यजीत दास का कि वेस्ट बंगाल की टीम उस दौड़ में आए, जो मेडल की दौड़ जहां सबसे आगे अभी कर्नाटका चल रहे हैं। कर्नाटका की तरफ से आदित्य, जिन्होंने चेस्ट नंबर 225 के तहत परफॉर्म किया था, अभी तक इस दौड़ में सबसे आगे, और इनके बाद जो आने वाले प्रतिभागी मोहम्मद फिरोज शेख कर्नाटका के रहने वाले, वो भी आपको नजर आएंगे। अपने पेट के ऊपर पूरे बॉडी के वेट को ट्रांसफर किया और अपने कोर के इंटरनल स्ट्रेंथ दर्शाते हुए साफ नजर आए। जितने भी योगा के प्रतिभागी हमने देखा है कि इनकी स्पाइन, इनके इंटरनल कोर हमेशा बहुत स्ट्रांग रहती है। समय जो है वो समाप्त हो चुका है और अब जूरी मेंबर्स अपना रिजल्ट बताएंगे। जजेस रेडी 232 मोहम्मद फिरोज शेख 233 प्लीज रिपोर्ट 232 मोहम्मद फिरोज शेख कर्नाटका से अपनी परफॉर्मेंस देते हुए। सबसे पहले हैंड बैलेंस का इन्होंने आसन को उठाया है, जो ई कैटेगरी का फिरोज से वो शख्सियत है जिनको अभी ध्यानचंद एवार्ड से भी नेशनल योगासना स्पोर्ट्स फेडरेशन इनको सम्मान किया गया एक बेस्ट प्लेयर के तौर पे। आज इनकी परफॉर्मेंस देखने को हम इनका कॉस्ट्यूम और अब इन्होंने लेग बैलेंस का आसन लिया है, बहुत अच्छा। कितना इन्होंने खिंचाव के साथ पूरी बॉडी को कहीं पर भी जजेस को मार्किंग के लिए, कटिंग के लिए नहीं छोड़ा उन्होंने। और यह बैक बेंडिंग का आसन पूर्ण डिम्बासना का ही बहुत अति सुंदर, जो बीच में कोई भी कहीं स्पेस नहीं दिखाई दे रहा। फिर इन्होंने बैक बेंडिंग का आसन लिया
उसी स्थिति में शिव के अपनी परफॉर्मेंस देते हुए मोहम्मद फिरोज से बहुत अच्छी, उनकी चेहरे पे बहुत अच्छी भाव भंगिमाएं शिव तांडव का भाव लाते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग का आसन पूर्ण टिटिभासना नी स्ट्रेट बहुत जितना मैक्सिमम जा पाए वो गए और शिव के तांडव का नृत्य एक नया संकेत। ये ट्विस्टिंग आसन के अंदर इन्होंने थोड़ी सी चूक, हल्की सी चूक, फिर भी उन्होंने रिकवर किया। हर आसन को 5 से 7 सेकंड रखना जरूरी होता है, होल्ड रखना, और सुप्त टिटिभासना करते हुए फिर इसमें उन्होंने पूरे पैरों को स्ट्रेच, पूरा खिंचाव दिया और फिर लेग बैलेंस का आसन, सारा आसन सारस की मुद्रा में, हल्का सा पैर थोड़ा सा खुला और हैंड बैलेंस का एक हस्त मयूरासना, पद्म मयूरासना, एक हस्त पद्म मयूरासना करते हुए बहुत सुंदर। और अपना 10वां आसन की अगली परफॉर्मेंस देंगे और ट्विस्टिंग का इनका अंतिम आसन, हर एक कैटेगरी से एक आसन लेना होता है तो ट्विस्ट बेंडिंग फ्लोर आसन का इन्होंने लिया और कोणासना इन्होंने ट्विस्टिंग का ई कैटेगरी का आसन करते हुए और अपने समय बद के साथ, समय के साथ अपनी परफॉर्मेंस किया। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर परफॉर्मेंस मोहम्मद फिरोज शेख की। चेस्ट नंबर 233 जजेस रेडी। प्रवीण कुमार पाठक हरियाणा के रहने वाले हैं, चेस नंबर 233 के तहत ये परफॉर्म करते हुए आपको नजर आएंगे। सातवें प्रतिभागी, एक शिव भक्त, सेमीफाइनल से जो 10 प्रतिभागी आए थे उनमें से सातवें ये हैं। म्यूजिक शुरू हो चुका है का मतलब ये कि जो इनको समय मिलना है 150 से लेके 180 सेकंड का वो शुरू हो चुका है और पहला आसन ब्रह्मास्त्र आसन के तहत ये शुरुआत करेंगे और उसे बहुत सहजता के साथ, निपुणता के साथ निभा रहे हैं। हल्का सा वाइब्रेशन पांव में देखने को मिला लेकिन जजेस जानते हैं कि जो शुरुआत यदि आप जटिल आसन से करते हैं का मतलब ये है कि आपकी जो स्कोरिंग है उसके ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ते हैं। दोनों पांव के बीच में 180 डिग्री का वो एंगल इन्होंने बनाया है, दूसरे हाथ से अपने एक पांव को पकड़ के रखा था और फिर अब वो नृत्य की मुद्राएँ करते हुए आपको नजर आएंगे। आर्टिस्टिक सिंगल मेंस का ये फाइनल चल रहा है। आर्टिस्टिक का मतलब ये है कि इसमें योगासन उसके साथ साथ जो नृत्य है उनको मिक्स किया गया, एक फ्यूजन तैयार किया गया है। जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ डांस हम देखते हैं वहां भी आपको योगा की प्राथमिकता आजकल झलकने लग गई। कई सारे जिम्नास्टिक के फॉर्म, योगासन के फॉर्म हम मॉडर्न डांस में देखते हैं तो इन युवाओं को वो स्टेज देने के लिए एक बहुत अच्छी पहल है आर्टिस्टिक कैटेगरी को इंट्रोड्यूस करना ताकि ये डांस और अपने योगा के स्किल्स दोनों में इंप्रूव करते हुए आपको नजर आ सकते हैं। पिछला जो आसन किया था ग्रीव पद नटराज आसन और अपने अगले आसन सरस आसन की तरफ ये जा रहे हैं और सारस आसन में कितनी निपुणता दिखाई है, 180 डिग्री का एंगल लेकिन बॉडी जो थी वो थोड़ी सी शिविर हुई, दूसरे अटेम्प्ट के अंदर ये आराम से कर सके थे लेकिन उसके बावजूद 5 सेकंड का समय बिताना पड़ता है। ट्विस्ट बॉडी बैलेंस में मलयासन इन्होंने अभी किया, मलयासन के बाद में स्वप्त तिथिभासन करते हुए अभी आपको ये नजर आ रहे हैं। 5 सेकंड तक तिथिभासन ये सबसे फेवरेट आसन है जितने भी प्रतिभागी यहाँ आ रहे हैं उनका। फॉरवर्ड कार्टव्हील्स लगातार करते हुए दिखा रहे हैं, मैट का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो 8x8 का जो एरिया है उसको कवर करता रहता है। ऊर्ध्वमुख तिथिभासन करते हुए अभी आपको ये दिख रहे थे
और जैसे जैसे आसन की कैटेगरी आगे बढ़ती है, कुछ कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजी ये रहती है कि वो पहले सरल आसन करेंगे उसके बाद जटिल। कुछ कॉम्पिटिटर्स ऐसे होते हैं जो जजस के ऊपर शुरुआत में वो आसन वो इम्पैक्ट दिखाना चाहते हैं, इसलिए शुरुआती आसन थोड़े से जटिल रखते हैं। पांव को होल्ड किया लेकिन हल्का हल्का सा वाइब्रेशन नजर आ रहा था जब वो विभक्त विपरीत शलभासन करते हुए आपको नजर आए। अगला आसन एक बार फिर ट्विस्ट बॉडी बैलेंस कैटेगरी में से इन्होंने अपना चुना है और ये फ्लोर के ऊपर रहकर वो बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। दाएं हाथ से बाएं पांव को इन्होंने पकड़ा है, कोणासन का एक ये फॉर्मेशन, और उसी के साथ म्यूजिक बंद, समय समाप्त हुआ। होल्ड टाइम इज 179 सेकेंड। चेस्ट नंबर 235 प्लीज रिपोर्ट। स्टार्ट 234 चेस्ट नंबर 234 चेस्ट नंबर 235 प्लीज रिपोर्ट। ओम प्रकाश वरदाई चेस्ट नंबर 234 महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हुए आपको नजर आएंगे। तीन प्रतिभागी इस फाइनल में पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र की तरफ से, वहीं आपको दो प्रतिभागी कर्नाटका के नजर आएंगे, हरियाणा के तीन, वेस्ट बंगाल के एक, राजस्थान का एक। और म्यूजिक के साथ में अपना पहला आसन इन्होंने शुरू कर दिया और शुरुआत की गई है परिवृत शिवलिंग कारण आसन से। ऐसा कहा जाता है कि जो आप सोचते हैं वही घटित होता हुआ आपको नजर आएगा। और अभी जब हम यहाँ पैनल पे बैठे थे आपस में चर्चा चल रही थी कि वो सबसे टफ आसन है, उसका प्रयास जो करेगा उसको हम आपस में नंबर वन का करार देंगे। तो वही आसन आपके स्क्रीन के ऊपर सबसे पहला जो आसन था ओम प्रकाश वरदाई की तरफ से महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। अगला आसन विभक्त विपरीत शलभासन करते हुए आपको नजर आए। हर आसन की सब कैटेगरीज को भी इन्वॉल्व किया गया है सारस आसन के अंदर। कितनी खूबसूरती के सहित दोनों हाथ जो है वो एकदम स्ट्रेट है और वो जो पांव के बीच में 180 डिग्री का एंगल है उसको बनाने की कोशिश जरूर की गई। म्यूजिक के साथ साथ रिदम के साथ साथ अभी तक परफॉर्म करते हुए नजर आए, अपने अगले आसन की तरफ जा रहे हैं जो कि है सिंगल लेग बैकवर्ड बेंड बॉडी बैलेंस आसन की कैटेगरी का अगला आसन। लगातार मैं आसन शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 10 आसन करके दिखाने होते हैं 150 सेकंड से लेके 180 में। पिछला जो क्रिय इन्होंने किया था वो था ग्रीव पदा नटराज आसन। अलग अलग स्तर के यहाँ आसन होते हैं, वो क्रियाएं होती हैं। कैलाश आसन अभी आपको आपके स्क्रीन के सामने ये करते हुए नजर आए, 5 सेकंड वहां भी होल्ड किया, बॉडी का जो कोर स्ट्रेंथ है वो दिखा रहे हैं। स्वप्त तिथि भासन करते हुए अभी आपके सामने ये नजर आ रहे हैं और स्वप्त तिथि भासन जैसा हम कई बार बात कर चुके हैं कि ये एक ऐसा आसन जो ज्यादातर प्रतिभागी करते हुए आपको नजर आते हैं क्योंकि हर प्रतिभागी को 10 फॉर्मेशन दिखानी होती है। फॉरवर्ड बैंड स्टैंडिंग फॉरवर्ड बैंड फ्लोर, बैक बॉन्ड स्टैंडिंग बैक बॉन्ड फ्लोर, ट्विस्टिंग बॉडी फ्लोर ट्विस्टिंग बॉडी बैलेंस लेग बैलेंस बैकवर्ड बॉन्ड बेंड सिंगल लेग बैलेंस करके दिखाना होता है। हैंड बैलेंस के दो क्रियाएं फॉरवर्ड बैंड बैकवर्ड बैंड। अपने अगले आसन की तरफ जो कि ब्रह्मास्त्र आसन है, दोनों हाथों के ऊपर अपने एक पांव को बैलेंस किया, दूसरा अटेम्प्ट इन्होंने लिया है। सेकंड अटेम्प्ट का मतलब ये कि अंकों के अंदर कटौती की जाएगी ऑफिशियल्स के द्वारा, लेकिन उसके बाद भी मुखमंडल के ऊपर वो मुस्कान बरकरार। जो घटित हो चुका वो हो चुका, अब जो करना है उसके ऊपर फोकस इस प्रतिभागी का हमें देखने को मिला है महाराष्ट्र की तरफ से ओम प्रकाश वरदाई। चेस्ट नंबर 234 पिछला आसन परिवृत उपविष्ट कोणासन, उसी के साथ अपनी प्रस्तुति को संपन्न करेंगे।
चेस्ट नंबर 235 रेडी। ऋषभ झा हरियाणा के एक और प्रतिभागी, जो तीन हरियाणा के प्रतिभागी आए उनमें से ये तीसरे हैं। सबसे पहले हमने अभिषेक को देखा था, उसके बाद प्रवीण कुमार पाठक आए थे, तो अब ऋषभ झा नवे ये कॉम्पिटिटर है, जो 10 कॉम्पिटिटर्स आपस में प्रतिस्पर्धा में आपको नजर आ रहे हैं। ये आर्टिस्टिक सिंगल्स मेंस कैटेगरी का फाइनल मुकाबला चल रहा है। नवे प्रतिभागी ऋषभ झा हरियाणा की तरफ से चेस्ट नंबर 235 और अपने पहले आसन की तरफ ये रुक कर रहे हैं, समकोण आसन से शुरुआत कर रहे हैं। दोनों ही पांव एकदम 180 डिग्री लेकिन जमीन से पैरेलल ऊपर हवा में आपको नजर आए थे और चेहरे के ऊपर वो इंटेंसिटी साफ झलक रही है जैसा इनका म्यूजिक है। सारस आसन की तरफ ये जा रहे हैं, तो पहला वो जो कोण आसन इन्होंने किया था उसके बाद सारस आसन में बैलेंस बॉडी का अच्छा बना रहा, बहुत महीन सा वहाँ वाइब्रेशन इनके पाँव में दिखा, क्योंकि इनका जो गाना है, इन्होंने जो म्यूजिक चुना है वो वैसा ही है जिसमें चेहरे पे इंटेंस हाव भाव चाहिए और ये वो इंटेंस हाव भाव दिखाते हुए भी नजर आ रहे हैं। ट्विस्टिंग बॉडी बैलेंस के तहत वो अगला आसन इन्होंने किया, तो डांस स्टेप्स में निपुणता दिखा रहे हैं, लगातार वो आसन कर रहे हैं, जो मैट का एरिया है वो कवरेज भी दे रहे हैं। एक हाथ के ऊपर पूरी बॉडी को बैलेंस करना इतना आसान होता नहीं है। एक हस्त पद्म मयूरासन करते हुए भी आपको नजर आए थे। म्यूजिक बीट्स के ऊपर लगातार वो परफॉर्मेंस, वो जो फ्लोर को इन्होंने टच किया था, ये स्विफ्ट तिथि भासन जो सबसे लोकप्रिय आसनों में से एक है, जितने भी योगासन करने वाले कॉम्पिटिटर्स हैं हमने सबको स्वप्त तिथि भासन करते हुए जरूर देखा। ब्रह्मास्त्र आसन भी एक ऐसा आसन है जो ज्यादातर प्रतिभागियों के द्वारा पसंद किया जाता है। चेहरे पे अब वो मुस्कान आई है और वो ट्विस्टिंग बॉडी फ्लोर का ये आसन परिवृत उपविष्ट कोणासन, जितना टफ आप आसन करते हैं, यदि आप ये पवित्र आसन करने का प्रयास करते हैं तो अधिकतम एक अंक उसके लिए आपको मिल सकता है। और तुरंत उसी के बाद मिर्गा मुखासन करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे डिफिकल्टी का लेवल बढ़ेगा आसन में, उतने ही अंक बढ़ने के आसार आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे। और ऑफिशियल्स यहां कांटों की टक्कर चलती है, 0.01 सेकंड के डिफरेंस कल हमने फाइनल मुकाबले में देखे थे पुरुषों के। पहली जो विजेता रही थी महाराष्ट्र की टीम, उनके सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल के बीच में सिर्फ 0.01 सेकंड का फासला था। महीन नीलासन करते हुए इन्होंने पिछला जो आसन अपना संपन्न किया था और फिर आगे बढ़ रहे हैं। ऊर्ध्वमुख तिथिभासन, हर पार्टिसिपेंट की ये कोशिश रहती है कि अपना जो बेस्ट एंगल है वो विजन के अंदर लाएं, ताकि जो जजेस हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, जो जूरी मेंबर्स हैं, वो उसी के अकॉर्डेंस में मार्क्स दें। दोनों ही पांव के बीच में शार्प 180 डिग्री का एंगल, घुटने को एकदम मोड़ा और बैकवर्ड बेंड करते हुए वामदेव त्रिपुरासन के साथ संपन्न किया। हरियाणा की जो टीम सपोर्ट करते हुए पास में बैठी है, लगातार वो तालियों की गड़गड़ाहट बरसाते हुए। चेस्ट नंबर 236 इस प्रतिस्पर्धा की अंतिम प्रतिभागी। जजेस रेडी। वैभव वमन महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हुए इन्होंने मेंस ट्रेडिशनल सिंगल कैटेगरी में गोल्ड मेडल निकाला है और वही गोल्ड मेडल निकालने वाला प्रतिभागी अब आपको आर्टिस्टिक सिंगल्स मेंस कैटेगरी में 10वें तौर पे परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। परफॉर्मेंस कल इनकी बहुत अच्छी सुदृढ़ थी, सेमीफाइनल में फर्स्ट रैंक प्राप्त की थी, लेकिन यहाँ 10वें नंबर सिर्फ इनके चेस्ट नंबर की वजह से, चेस्ट नंबर 236 के तहत अब आपको परफॉर्म करेंगे। पहला ब्रह्मास्त्र आसन इन्होंने करा था बड़ी निपुणता के साथ, खूबसूरती के साथ। कॉस्ट्यूम के मार्क्स क्यों हैं? यदि आप टाइट कॉस्ट्यूम पहनते हैं तो आपकी गलतियां और अच्छाइयां बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखती है। लूज कॉस्ट्यूम पे आपके जो मूव्स है, जो आपने एक्यूरेसी दिखाई है, वो इतनी अच्छी विजुअल्स के तौर पर दिखेगी नहीं। तो कॉस्ट्यूम के मार्क्स, कॉस्ट्यूम बड़ा क्लीन और
एक्यूरेट इन्होंने पहना है। अगला जो इनका आसन है वो रहने वाला है ट्विस्टिंग बॉडी बैलेंस कैटेगरी के अंदर, और इस आसन का नाम है मलयासन। मलयासन से मिलता जुलता एक और आसन रहता है जिसे कैलाश आसन कहते हैं। कई प्रतिभागी मलयासन करते हैं, कई कैलाश आसन करते हैं, और यहाँ अपनी स्पाइन को पीछे की तरफ मोड़ा है, अपने हाथों से अपने पाँव को होल्ड करते हुए विभक्त विपरीत शलभासन करते हुए अभी आपको नजर आए, और 5 सेकंड से ज्यादा समय तक होल्ड करके रखना इतना आसान रहता नहीं। वही मुद्रा स्विप्त तितिभासन करते हुए अभी आपको नजर आ रहे हैं, जहां तितिभासन की एक ऐसी फॉर्मेशन पीठ को मैट के ऊपर लगा के और फिर तितिभासन किया जाता है। सबसे लोकप्रिय आसनों में से वो एक, चेहरे की लीलार देखिए, वो मुस्कान देखिए और वो आसानी देखिएगा। तितिभासन का ये दूसरा फॉर्म जो ये करके आपको दिखा रहे हैं, जिसे ऊर्ध्वमुख तितिभासन कहा जाता है। वैभव वमन एक गोल्ड ऑलरेडी अपने नाम कर लिया, और जिस तरह की खूबसूरत परफॉर्मेंस ये दे रहे हैं, क्या ये एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं वो समय बताएगा, जजेस के स्कोर्स बताएंगे। लेकिन ये फिर अपने दोनों हाथों के ऊपर बैक बैंड बॉडी बैलेंस आसन करके दिखाया। कल वाली जो परफॉर्मेंस थी उसमें जो खूबसूरती, जो सहजता थी, वही सहजता अभी तक बरकरार, रिदम के साथ लगातार परफॉर्म आपको करते हुए नजर आए। समय का ध्यान रखना होगा, 1 मिनट 50 से लेकर 150 से लेकर 180 सेकंड का समय दिया जाता है, उसी में वो परफॉर्मेंस करके दिखानी होती है। जो मनमोह रहे हैं ये सभी यहाँ मौजूद दर्शकों का, जजेस का, टेक्निकल टीम का, टेक्निकल ऑपरेटर्स का सराहनीय। एक पांव के ऊपर पूरे बॉडी का वजन, स्पाइन को अंदर की तरफ मोड़ रखा है, गर्दन को भी मोड़ा, और एक जटिल क्रिया इन्होंने करी, एक जटिल आसन। लेकिन जैसे ही वो जटिल आसन इन्होंने समाप्त किया, एक पद त्रियंग मुकुटोसन, उसके बाद तुरंत बाद चेहरे के ऊपर जो मुस्कान आई उसको देख के आपको लगेगा नहीं कि एक जटिल क्रिया करके वापस आए। समय जो है इनका वो समाप्त हुआ, और आखिरी आसन इन्होंने किया था परिवृता उपविष्टा कोणासन। होल्ड टाइम इज 178 सेकंड। थैंक यू पार्टिसिपेंट, धन्यवाद सभी प्रतिभागियों का, और विशेष रूप से धन्यवाद उनके योग प्रशिक्षकों का जिनकी कलाओं का प्रदर्शन देश के आए हुए विभिन्न राज्यों से हमें देखने को मिला। अब समय है मेन कैटेगरी के रिजल्ट्स का। तो आर्टिस्टिक जो योगा सिंगल का राउंड खेला गया था, वहां हरियाणा को रिप्रेजेंट करते हुए प्रवीण ने ब्रॉन्ज मेडल सिक्योर किया है। 133.55 अंक इन्होंने प्राप्त किए, और उसी के चलते हरियाणा को ब्रॉन्ज। आर्टिस्टिक सिंगल कैटेगरी जहां 10 आसन करके दिखाने थे, समय मिलता है 180 सेकंड का, अधिकतम आप वो समय ले सकते हैं। आसन के साथ साथ नृत्य के दृश्य भी पेश करने होते हैं। हरियाणा को एक ब्रॉन्ज मिला है, प्रवीण ने हरियाणा के लिए वो ब्रॉन्ज जीता 36वें राष्ट्रीय खेलों में। जहां तक सिल्वर मेडल की बात है, तो आदित्य ने कर्नाटका को सिल्वर मेडल अपने नाम कराने में मदद की, उन्होंने 134.71 अंक प्राप्त कर कर्नाटका को सिल्वर मेडल निकाला 36वें राष्ट्रीय खेल में, जहां पहली बार योगासना को इंक्लूड किया है। और कर्नाटका के लिए, आदित्य के लिए ये खुशनुमा लम्हे, ये खुशी के वो क्षण हैं जिन्हें वो ताउम्र याद रखना चाहेंगे। सिल्वर मेडल राष्ट्रीय खेलों में, इसका महत्व क्या होता है वो हम सब जानते हैं। अब हमारे जो अतिथि महोदय हैं वो शॉल से सम्मानित करेंगे। शॉल पहनाई गई है, ओढ़ाई गई है, और सब
सबसे महत्वपूर्ण क्षण जो मेडल सेरेमनी होती है, आपने जो परफॉर्मेंस दिखाई है उस अरीना में, उसका परिणाम और वही गोल्ड मेडल महाराष्ट्र के वैभव ने अपने नाम किया है। 136.52 अंक इन्होंने प्राप्त किए और सुधांशु जी मित्तल जो कि खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है, मेडल से नवाजते हुए महाराष्ट्र के वैभव को। वैभव का ये दूसरा गोल्ड मेडल है, 36वें नेशनल गेम में अपना दूसरा गोल्ड मेडल इन्होंने उन्हें प्राप्त किया है। पहला गोल्ड मेडल जो था वो ट्रेडिशनल कैटेगरी में था और दूसरा गोल्ड मेडल आर्टिस्टिक सिंगल मेंस कैटेगरी में। तो हमारे तीनों गोल्ड मेडलिस्ट इस समय आपके स्क्रीन के ऊपर। ब्रॉन्ज मेडल हरियाणा कर्नाटका की टीम की तरफ से आदित्य ने सिल्वर निकाला है और वैभव महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हुए गोल्ड मेडल। तीनों मेडलिस्ट खुशनुमा ये चेहरे, ये लम्हे हमेशा के लिए इतिहास में कैद हो जाएंगे। और जो अद्भुत परफॉर्मेंस इन्होंने करके दिखाई है उसका ये फल, फैसिनेशन अब किया जाएगा हमारे जो गेस्ट हैं उनका। छत्तीसवें राष्ट्र खेलों में हम मौजूद है और इस वक्त योगासना में दूसरा गोल्ड जीतने वाले वैभव हमारे साथ। वैभव, एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो शुरुआत आपने मिली है लगातार दो गोल्ड मेडल महाराष्ट्र को दिलाना। यस, अब मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है फिर से एक बार गोल्ड मेडल जीतकर, वो भी इतने बड़े स्टेज पर। तो बहुत कोचेस की जो सपोर्ट, मतलब मेरे टीममेट्स जो उनका जो भरोसा था, वो उस भरोसे पर मैं खरा उतरा हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। पहला जो गोल्ड आपने निकाला था वो ट्रेडिशनल कैटेगरी में था, तो यहाँ आर्टिस्टिक कैटेगरी में कैसे देखते हैं दोनों ही के डिफरेंस को? ट्रेडिशनल में बस आसन लगाने होते हैं, वो तो पर्टिकुलर टाइम लिमिट होती है, उसमें लगाना पड़ता है, आसन होल्ड करना पड़ता है। इसमें आर्टिस्टिक कैटेगरी में 5 सेकंड आसन होल्ड करना पड़ता है, 3 मिनट का टाइम ड्यूरेशन होता है, उसके ऊपर नहीं जा सकते और 2.5 मिनट के नीचे नहीं आ सकते। तो कंपटीशन जो है उसमें स्टेबल आसन लगाना भी पड़ता है और ज़्यादा ओवर टाइम भी नहीं कर सकते, तो थोड़ा डिफिकल्टी होता है। वेल कॉन्ग्रेचुलेशंस, दो गोल्ड मेडल निकालने वाले वैभव हमारे साथ थे। यू पीपल स्टे कनेक्टेड विद 36 नेशनल गेम्स।